ऑल राइट, तो आज हमारे पास आई हुई है एक लालटेन, या आप स्पीकर भी इसको बोल सकते हो, लालटेन स्पीकर। तो यह है पोट्रॉनिक्स डैश 6, पोट्रॉनिक्स का लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर जो दिखने में एक लालटेन जैसा है, लुकवाइज काफी कूल लगता है। तो 2700 रुपए इसकी करंट प्राइसिंग है, वैसे 3000 रुपए के आसपास भी इसकी प्राइसिंग रहती है। इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हो एंड प्राइसिंग भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स में पोट्रॉनिक डैश 6 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। 15 वॉट मैक्स आउटपुट, तो कुछ लालटेन टाइप में इसका डिजाइन दिया गया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना एंड प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन की गई है 2999 रुपीज। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो बॉक्स में है टाइप सी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए एंड एक यूजर मैनुअल। तो ये है अपना स्पीकर एंड इसका डिजाइन दिया गया है लालटेन जो होती है ना, जो हम बचपन में यूज किया करते थे। तो सबसे पहले स्पीकर को ऑन कर लेते हैं हम एंड पेयर कर लेते हैं अपने फोन से। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, योर डिवाइस इज रेडी टू पेयर। तो यहाँ पर डैश 6 लिखा हुआ आ चुका है, पेयर यू आर नाउ कनेक्टेड। तो स्पीकर पेयर हो चुका है, साथ ही आप स्पीकर का बैटरी लेवल भी अपने फोन पर चेकआउट कर सकते हो। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। ओवरऑल एक चीप फील आपको नहीं देगा। फ्रंट पार्ट है पोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, ग्रिल टाइप का डिजाइन दिया गया है जैसा लालटेन में होता है। अंदर के पार्ट में लाइटनिंग इफेक्ट है, बॉटम पार्ट में इसकी रबर पैडिंग है, सेंटर पार्ट में इसका बेस रेडिएटर, टॉप बैक पार्ट में दिया गया है टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, इसमें कोई भी ऑक्स पोर्ट का सपोर्ट नहीं है। टॉप पार्ट में छोटा सा हैंडल है इसको कैरी करने के लिए, टोटली रबराइज मटेरियल से बना हुआ है, लेदर टाइप के टेक्सचर में ये आता है। टॉप पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स हैं, पहला है पावर बटन, सेकंड बटन से आप इसके एलईडी फ्लेम्स को चेंज कर सकते हो, थर्ड बटन है टाइमर का, इसे आप 30, 60, 90 मिनट का टाइमर इसमें लगा सकते हो। तो जितना आप टाइमर लगाओगे ऑटोमेटिकली स्पीकर वहां पे ऑफ हो जाता है। इसके बाद है वॉल्यूम डाउन एंड प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए बटन, वॉल्यूम अप एंड नेक्स्ट सॉन्ग के लिए हम यानी मोड, जिससे आप व्हाइट नॉइस, ब्लूटूथ एंड लाइट मोड पे चेंज कर सकते हो। तो इसमें नेचर साउंड के इफेक्ट भी दिए गए हैं जो इसको काफी कूल फील देते हैं। अगर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो स्पीकर की डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं, अब इसका वेट हम चेक कर लेते हैं, 464 ग्राम इसका वेट है। तो 15 वॉट इसका आउटपुट है, 70 mm का इसमें ड्राइवर दिया गया है इसके टॉप पार्ट में, बॉटम पार्ट में इसका बेस रेडिएटर है, 2000 mAh की 3.7 volt की इसमें बैटरी है। कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 6 hours तक प्ले कर सकते हो मॉडरेट वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो, इसकी लाइट्स को ऑन रखते हो, तो बैटरी बैकअप आपको इसमें और भी कम मिलेगा, तकरीबन 3-4 घंटे तक आप इसको प्ले कर सकते हो। एंड इसको 0 से 100% फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जो काफी ज्यादा है। तो जितना आपको इसमें बैटरी बैकअप मिल रहा है उतना ही समय आपको को चार्ज करने में भी लगने वाला है। तो आई थिंक यहाँ पे क्विक चार्ज का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी। IP65 की इसमें रेटिंग दी गई है, तो ये स्पीकर डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट दोनों है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड अगर आप आउटडोर में इसको यूज कर रहे हो, बीचेस में इसको यूज कर रहे हो, तो डस्ट वगैरह से भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट एंड यहाँ पे कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है, लाइक AC कोडेक वही बेसिक SBC कोडेक का यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप कर लेते हैं इसका एक साउंड टेस्ट एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें, साथ ही इसका साउंड टेस्ट मैं करने वाला हूं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे, क्योंकि YouTube में आ सकती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे Instagram या Facebook पे फॉलो कर सकते हो।
तो अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसे परफॉर्म करता है स्पीकर। तो इसको मैंने तीन वॉल्यूम लेवल पर टेस्ट किया, 50, 80 एंड 100% पे इसका बेस टेस्ट। तो जितना मैंने इसको अभी तक टेस्ट किया, इसकी क्लैरिटी मुझे काफी पसंद आई, स्पीकर काफी क्लियर है भाई। तो बेस आउटपुट मैं इसका बोलूंगा इसका डिसेंट है, बेस में डीपनेस फील नहीं होती है, बट थम्पीनेस अच्छी खासी इसमें फील होती है, चाहे आप इसको किसी भी वॉल्यूम लेवल पे प्ले करो। तो बेस इसमें है बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेस नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी या ट्रेबल्स में स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ट्रेबल्स इसमें काफी शार्प फील होते हैं, एंड मिड्स यानी वोकल्स इसके मुझे क्रिस्टल क्लियर फील हुए। 80% वॉल्यूम तक इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी आती है, बट जैसे आप इसकी वॉल्यूम को हाई करते हो लाइक 100% पे, बल हल्का सा मामूली सा डिस्टॉर्शन वहां पे फील होता है। डिस्टॉर्शन इसमें है बट वो बहुत कम है, कुछ सॉन्ग्स में फील होता है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। फुल वॉल्यूम में बेस भी थम्पी फील होता है, बट ट्रेबल्स इसके काफी शार्प आते हैं, मतलब थोड़े से कानों में चुभते हैं हाई वॉल्यूम पे। लाउडनेस की बात करिए तो 15 वॉट के हिसाब से लाउडनेस इसकी ठीक ठाक है, एक मीडियम साइज के रूम में आप इसको यूज कर सकते हो, इवन आउटडोर में भी आप इसको काफी आराम से यूज कर पाओगे क्योंकि IP65 की यहाँ पे रेटिंग है। तो अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोज इसमें TWS का सपोर्ट है, तो आप सेम मॉडल के दो स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो स्टीरियो साउंड इफेक्ट के लिए। सेकंड, इसमें बिल्ट इन व्हाइट नॉइस का सपोर्ट दिया गया है, काफी सारे इसमें नेचर वाली साउंड दी गई है जिससे आप अपने रूम के एनवायरमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। थर्ड, इसका जो प्लस फीचर मुझे लगा इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी है भाई। नेक्स्ट, इसमें LED इफेक्ट्स दिए गए हैं, हालांकि म्यूजिक के साथ सिंक नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन है, इसमें कोई भी इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट नहीं है, स्पीकर फोन की तरह आप इसको नहीं यूज कर सकते। सेकंड, इसमें कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है लाइक AC कोडेक, एंड इसको आप सिर्फ ब्लूटूथ से ही पेयर कर सकते हो, इसमें ऑक्स वगैरह का सपोर्ट नहीं है। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 3000 रुपए के अंदर क्या स्पीकर वर्थ है। सिर्फ साउंड के लिए आप स्पीकर लेने की सोच रहे हो, आपको लुक से कोई मतलब नहीं है, LED से कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे पोट्रॉनिक साउंड ड्रम पी स्पीकर आता है, यादर स्पीकर भी आपको मिल जाते हैं लाइक रियलमी ब्रिक हो गया, ट्रिबिट, एक्स साउंड गो, काफी सारे स्पीकर्स अवेलेबल हैं जिनकी साउंड इससे भी तगड़ी है। तो अगर आपको लुक वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है तो आप पोट्रॉनिक साउंड ड्रम पी वगैरह को परचेज कर सकते हो, वो काफी अच्छा स्पीकर है एंड पोर्टेबल भी है। बट अगर आपको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो लुक वाइज काफी कूल हो, आपको फ्लेम वाला इफेक्ट चाहिए अपने रूम के लिए, व्हाइट नॉइस इफेक्ट चाहिए, TWS का सपोर्ट चाहिए, इनबिल्ट माइक्रोफोन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्लैरिटी स्पीकर की अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो स्पीकर से रिगार्डिंग जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।